नागपंचमी यानी नागों की उत्पत्ति का दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागवंश का उदय हुआ था। मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नाग देवता के दर्शन करने से काल सर्प योग दूर होता है। धर्म की नगरी काशी के जैतपुरा के नवापुरा इलाके में एक ऐसा कुआं है जो आज भी नागों का निवास है और कुआं का वर्णन तमाम धर्मशास्त्रों में वर्णित है, जिनके अनुसार इस कूप के दर्शन से नाग दंश भय के साथ ही काल सर्प योग से भी राहत होती है, इसलिए इस कुंड का नाम नागकूप है। ये है वाराणसी का नागकूप, जहां नागपंचमी के दिन सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हर भक्त इस कूप में दूध चढ़ाने को आतुर होता है, तो कोई दूध चढ़ाकर नाग देवता को प्रसन्न करता है। हर कोई इस कुंड के पानी में अपने पापों और काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए नागपंचमी के दिन यहां सुबह से ही पूजा पाठ करता है। वैसे तो मंदिर साल भर खुला रहता है, लेकिन नागपंचमी के दिन इस मंदिर में दर्शन करने से सभी पापों का शमन होता है और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। नागपंचमी के दिन यहाँ दर्शन पूजन का कार्य होता है। मेन है क्या कि नागपंचमी के दिन जिस भी जातक को काल सर्प दोष होता है उसके लिए विशेष दिन होता है पूजन का। इस कारण यहाँ श्रद्धालु लोग दर्शन पूजन भी करते हैं और अपने जीवन में नाग देवता से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर आकर उनसे प्रार्थना भी करते हैं। यह स्थान महर्षि पतंजलि की तपोस्थली रही है, जो भगवान शेषनाग के अवतार थे। उनके द्वारा स्थापित इस कुंड के अंदर तले में भगवान शिव जी की शिवलिंग भी स्थापित है, तो लोग दर्शन पूजन करने आते हैं, कुंड में दूध लावा भी चढ़ाते हैं। तो यहाँ दर्शन पूजन करने से जिस जातक को काल सर्प दोष होता है उससे जातक को मुक्ति मिलता है और काल सर्प दोष की शांति होती है। यह स्थान विशेष करके काल सर्प दोष पूजन के लिए उपयुक्त है। गुरु जी, कल नागपंचमी का दिन है और कोविड गाइडलाइन भी है, तो किस तरीके से पालन कराते हुए दर्शन कराया जाता है? कल के जो कोरोना के जो भी गाइडलाइन है सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मास्क इत्यादि का छवि पे मतलब वो रहेगा कि मास्क लगा के और दूरी बनाते हुए दर्शन आयोजन। करकोचक नाग तीर्थ के नाम से जाने जाने वाले इस जगह पर शेषावतार के महर्षि पतंजलि ने व्याकरणाचार्य पाणिनि के भाष्य की रचना की थी। मान्यता ये भी है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक को जाता है। इस कूप की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि इस कूप में स्नान और पूजा मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। जिनकी कुंडली में राहु केतु बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं जिससे नाग दोष लग जाता है, जिसे काल सर्प दोष कहा जाता है, ये दोष नागपंचमी के दिन इस कुंड में स्नान मात्र से दूर हो जाते हैं। प्राचीन मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है। नागपंचमी के दिन यहाँ पर भव्य पूजा किया जाता है और काल सर्प दोष जो रहता है निवारण उसका यहाँ पर होता है। कितने सालों से दर्शन कर रहे हैं आप, मानता है? यहाँ पर मान्यता बहुत पुरानी है, अति प्राचीन भी है। हम तो अक्सर आते हैं दर्शन करने के लिए, आज जल भी लेने आए हैं। यहाँ काल सर्प दोष है और मतलब कई प्रकार का जो दोष रहता है यहाँ पर उसका निवारण होता है, पूजा पाठ किया जाता है उसका। यहाँ पर तैयारियाँ तो भव्य रहेगी। नागपंचमी का अवसर पर अक्सर यहाँ पर भीड़ आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत बहुत भीड़ यहाँ पर आता है। नागपंचमी के दिन पौ फटने के साथ नर नारी पूजा का थाल ले कूप पर जाकर दूध घी और नैवेद्य अर्पण कर परिवार को सर्प भय के साथ परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में सांप नहीं आते और साथ ही उनका भय नहीं होता है।